अस्सलामुअलैकुम, इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में बोलते हैं ना, मुझे देखने दो, हमें खेलने दो, वो जो कर रही है उसे करने दो, जो हो गया सो हो गया। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, इसके लिए हम करेंगे लेट का यूज़। ठीक है, लेट का यूज़ होगा इसमें। देखिए, सबसे पहले जो सेंटेंस बेसिकली जो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है लेट आता है, फिर उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कि मी, यू, हिम, हर, देम, तो ये सब जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आएंगे। और फिर उसके बाद आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब जो आएगा उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर, और फिर उसके बाद आ जाएगा जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो नेसेसरी आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में इसको इस्तेमाल करना होगा तो फिर क्या करेंगे कि जो है ना सब्जेक्ट आएगा और वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है लेट लगा के सेम यही स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो देखें सेंटेंस की मदद से इसको देखते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ पाएँ। पहला सेंटेंस है मुझे पढ़ने दो। अब देखिए, मुझे पढ़ने दो ये बिल्कुल सिंपल सा है, लेट से ही शुरू होगा। ठीक है, मुझे पढ़ने देना है तो लेट के बाद आ जाएगा मी, लेट मी, और पढ़ने को स्टडी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। ये तो इजी था, है ना। चलें और इससे रिलेटेड थोड़े से और सेंटेंसेस देखते हैं, फिर उसके बाद जो है अलग तरह से इसका सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखें, सेकंड सेंटेंस है उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप, उसे सोने दो। तो यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया है, एक बॉय को। ठीक है, तो यहाँ पे लेट हिम स्लीप आ गया। अगर लड़की को हमने कंसिडर किया होता तो लेट हर स्लीप आ जाता। ठीक है, लेट हर स्लीप, ये क्या हो गया, लेट हिम स्लीप। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें खेलने दो, तो हमें का क्या है, वी का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो होता है अस। तो क्या बोलेंगे, लेट अस प्ले, हमें खेलने दो, लेट अस प्ले। फिर आएगा मुझे देखने दो, तो मुझे है, तो क्या आएगा, लेट मी सी। ठीक है, लेट मी सी। अब देखें यहाँ पे आप देख रहे होंगे, पहले लेट आया, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आया, फिर उसके बाद हमारा वर्ब आ गया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट भी आ जाता। अब देखें नेक्स्ट सेंटेंस, उसे भी खाने दो, तो क्या आएगा, लेट हिम ईट ऑल्सो, भी के लिए ऑल्सो आ गया। ठीक है, लेट हिम ईट ऑल्सो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अली को सवालात पूछने दो। अब देखें यहाँ पर जो है कोई मुझे, तुम्हें, उसे, उन्हें, ये नहीं है, बल्कि क्या है, एक नाम आ गया अली। तो जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना, उसकी जगह क्या आ जाएगा, अली आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे, लेट अली आस्क द क्वेश्चंस। ठीक है, लेट आया, उसके बाद अली आ गया, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है आस्क, सवालात पूछना, पूछने को बोलते हैं आस्क, फिर आ गया द क्वेश्चंस, सवालात पूछना। ठीक है, और लेट अली आस्क द क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उन्हें यहाँ आने दो। अब ये उन्हें यानी कि एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो देम आ जाएगा, है ना। तो क्या बोलेंगे, लेट देम कम हेयर। कम क्या है, एक फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो लेट देम कम हेयर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ गया जो भी आ रहा था, हेयर, देयर, द क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, बताएं आप किस टाइम अवेलेबल होंगे। अब देखिए जो बताएं है ना, यहाँ पे लेट का यूज़ होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि टेल मी, ठीक है, टेल मी भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे इस तरह भी बोल सकते हैं कि लेट मी नो, यानी मुझे जानने दीजिए, लेट मी नो बताएं। लेट मी नो एक अच्छा सा लगता है, ठीक है, फॉर्मल वे है, तो लेट मी नो कह सकते हैं। लेट मी नो व्हाट टाइम विल यू बी अवेलेबल, आप किस टाइम अवेलेबल होंगे। लेट मी नो व्हाट टाइम विल यू बी अवेलेबल। ठीक है, बताएं आप किस टाइम अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो जो कर रही है उसे करने दो। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, उसे करने दो, यानी कि लेट हर डू, और जो वो कर रही है, जो के लिए मैंने बताया था कि वॉट एवर लगेंगे। ठीक है, कि काम है तो वट एवर आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे, लेट हर डू वट एवर शी इज़ डूइंग, जो वो कर रही है। ठीक है, लेट हर डू, उसे करने दो वट एवर शी इज़ डूइंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नेक्स्ट सेंटेंस है, लोगों को जो सोचना है सोचने दो। तो इस तरह से हम बोलते हैं ना, तो क्या बोलेंगे, लेट पीपल थिंक वट एवर दे वॉन्ट टू थिंक, लोगों को जो सोचना है उन्हें सोचने दो।
नेक्स्ट सेंटेंस देखें, जो करना है उसे करने दो, जो करना है उसे करने दो, तो क्या बोलेंगे, लेट हर डू वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू, लेट हर डू वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू, जो करना है उसे करने दो, है ना, लेट हर डू वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, पहले मुझे बात करने दो, पहले मुझे बात करने दो, ठीक है, क्या बोलेंगे, फर्स्ट लेट मी टॉक, फर्स्ट लेट मी टॉक, फर्स्ट लेट मी टॉक, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मेरी अम्मी मुझको कुछ कहने नहीं देती, मेरी अम्मी मुझको कुछ कहने नहीं देती, तो क्या आएगा, माई मदर डजेंट लेट मी से एनी थिंग, माई मदर डजेंट लेट मी से एनी थिंग, मेरी अम्मी मुझको कुछ कहने नहीं देती। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तो तुम्हें उसे जाने देना चाहिए था, चाहिए था शॉर्ट का सेंटेंस है पास्ट में, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, यू शुड नॉट हैव लेट हिम गो, हिम गो। अब देखें यहाँ पे आप बोलेंगे कि हैव के बाद लेट की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, तो लेट की थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लेट ही रहती है, ठीक है, इसलिए ये थर्ड फॉर्म एज अ थर्ड फॉर्म ही यूज हुआ है। तो यू शुड नॉट हैव लेट हिम गो, यू शुडंट हैव लेट हिम गो, इस तरह भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो तुम्हें आने नहीं देगा, वो तुम्हें आने नहीं देगा, ही विल नॉट लेट यू कम, ही विल नॉट लेट यू कम, ही विल नॉट लेट यू कम। देखें आप नोट करेंगे कि देखें यहाँ पर लेट और वो वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, जो बेसिक लेट का स्ट्रक्चर है वो वही रह रहा है, बस क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है, बस और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, रहने दो। अब देखें एक प्रोवर्ब है कि रहने दो यानी छोड़ो, जो भी हो रहा है रहने दो, उसको छोड़ो, दफा करो, तो क्या बोलेंगे, लेट इट बी, लेट इट बी, रहने दो छोड़ो, लेट इट बी, ठीक है, लेट इट बी। नेक्स्ट सेंटेंस, होने दो, होने दो, जो हो रहा है होने दो, बोलते हैं ना हम कि जो हो रहा है होने दो, टेंशन मत लो, जो हो रहा है होने दो, लेट इट हैपन, लेट इट हैपन, लेट इट हैपन। नेक्स्ट सेंटेंस, जो हो गया सो हो गया, ये भी बोलते हैं हम कि जो हो गया सो हो गया, अब उस पर क्या पछताना, जो हो गया सो हो गया, तो बोलेंगे लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्स, लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्स, ठीक। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, दिस सेंटेंस इज फॉर यू, जो मैं करना चाहती हूँ मुझे करने दो, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लगी है कि नहीं लगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो, थैंक यू सो मच।